हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपका टॉपिक चला हुआ है हरियाणा के राष्ट्रीय उद्यान या फिर हरियाणा के वन्य जीव अभयारण्य। अब तक हमने इसके जो आपके नेशनल करा दिए हैं, जैसे कि आपका कालेश्वर था, सुल्तानपुर वाला है गुरुग्राम में, कालेश्वर यमुनानगर में है, बाकी जो आपके रिजर्व थे दो, वीरबारा और सरस्वती, उनके बारे में जानकारी दी है। अब इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं, बाकी के जो हरियाणा के हैं, कौन सा पहला है, कौन सा छोटा है, कहां पर कौन सी घटना हुई या फिर कहां पर कौन कौन से स्थापित किए जा रहे हैं, बाकी के जो मेन फैक्ट है वो आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी इस टॉपिक से संबंधित, वो देखें पहले, उसके बाद यहाँ पर आएँ, क्योंकि दोनों क्लास आपके लिए ज़रूरी है। वहाँ पर बेस से आगे बढ़े हैं और यहाँ पर और भी आगे जाएंगे। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, आज देखते हैं हरियाणा में कौन कौन से हैं भाई। ठीक है, हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य आता है, हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य, हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य है आपका भिंडावास। कौन सा रहेगा? भिंडावास, भिंडावास वन्य जीव अभयारण्य है। थोड़ा सा ध्यान देना, ये हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य है भिंडावास, और इसे रामसर टैग के अनुसार, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय टैग होती है रामसर, जिसे कहते हैं रामसर साइट बोल सकते हैं हम, या टैग के अनुसार इसको आर्द्रता के लिए घोषित कर दिया गया, आर्द्रता घोषित कर दिया गया अभी की बात में, ठीक है ना, आर्द्रता के लिए घोषित कर दिया गया है। और दूसरा था आपका आर्द्रता के लिए सुल्तानपुर, कौन सा था? सुल्तानपुर, सुल्तानपुर पक्षी अभ्यारण मैंने आपको करा ही दिया, कहाँ पर है आपका? गुरुग्राम में है, कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ठीक है, जिसे सलीम अली के नाम से भी जानते हैं, हरियाणा का प्रथम इको पार्क भी कहते हैं उसे, ठीक है। खोजकर्ता पीटर जैक्सन थे, स्थापना सलीम अली के द्वारा की गई थी। आर्द्रता की अगर हम बात करें पूरे देश में, तो टोटल अब 47 हो गए हैं, दो यानी कि हरियाणा के शामिल कर लिए गए हैं नमी के लिए, किसके लिए? नमी के लिए। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये आर्द्रता के लिए अगर मैं बात करूं, आर्द्रता की अगर मैं बात करूं, तो ये वन्य जीव अभ्यारण सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है हरियाणा का। यहाँ पर्यटक, कौन? पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं यहाँ पर पूरे हरियाणा में, इस झील में पर्यटक सबसे ज्यादा आते हैं घूमने के लिए झज्जर में, और यहाँ पर ये एशिया की सबसे बड़ी, यानी हम कह सकते हैं सबसे बड़ा भी हो सकता है आने वाले समय में, सबसे बड़ा आर्द्रता के लिए इसे घोषित कर दिया जाएगा। अकेले इसमें ही 500 यानी कि 250 पक्षियों की प्रजातियाँ, पक्षियों की प्रजातियाँ मिलती हैं अकेले यहीं पर, ठीक है ना। वैसे तो हरियाणा 500 प्लस प्रजातियाँ आती हैं, 550 के लगभग आती हैं, उनमें से 250 अकेली आपकी यहीं पर आती हैं इस अभयारण्य में, जो आपका कौन सा है? भिंडावास है, आर्द्रता के लिए घोषित कर दिया गया है, एक सुल्तानपुर को घोषित किया गया है। और ध्यान रखना यहाँ पर क्या क्या मिलता है, तो ध्यान रखना भिंडावास में आपका जो प्रसिद्ध है भूरे हंस के लिए प्रसिद्ध है, भूरे हंस, यहाँ पर भूरे हंस सबसे ज्यादा मिलते हैं। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा हरियाणा में किस अभ्यारण्य में भूरे हंस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं हंस, तो आपके भिंडावास में मिलते हैं, ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। और आर्द्रता वाला जिला पूछ ले, आर्द्रता के लिए जो जिला है सबसे ज्यादा प्रसिद्ध वो है आपका पंचकुला, कौन सा रहेगा? पंचकुला रहेगा, ठीक है। और वैसे भिंडावास है, दो आपके घोषित कर देंगे, एक बसई झील है, कौन सी है? बसई, ध्यान रखना बसई झील, ये क्वेश्चन भी आता है, ये भी आर्द्रता के लिए प्रसिद्ध है हरियाणा में, और ये आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, ये आपकी कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, तो ये क्वेश्चन भी आप नोट करें साथ के साथ। ये इतने क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं जो मेन फैक्ट मैंने आपको बताए हैं। आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को भाई, ठीक है। तो मैं रब कर रहा हूँ, आप इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं आराम से, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का सबसे छोटा अभ्यारण कौन सा है? हरियाणा का सबसे छोटा अभ्यारण कौन सा है? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, सबसे छोटा, सबसे छोटा अभ्यारण, सबसे छोटा अभ्यारण कौन सा है? छिलछिला, कौन सा है? छिलछिला, ये सबसे छोटा अभ्यारण है, कहाँ पर है? आपका कुरुक्षेत्र में है, कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। थोड़ा सा ध्यान देना, इसे आप आराम से भी याद कर सकते हैं, महाभारत की लड़ाई कहाँ पर हुई आप सभी जानते हैं, महाभारत, महाभारत की लड़ाई कहाँ पर हुई? कुरुक्षेत्र में हुई।
और यहां पर जब युद्ध हुआ था आपस में लोग कैसे मतलब कि युद्ध करते टाइम छिल गए थे, यानी कि तलवार किसी को लग गई तो वो छिलेगा या कटेगा, सीधी सी बात है। तो इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, छिल छिला कहाँ के लोग छिल गए थे, कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। महाभारत के युद्ध से आपको याद कर लेना, एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ। ये सबसे छोटा है, वैसे किसी खास प्रजाति के लिए प्रसिद्ध नहीं है, बस यही क्वेश्चन आता है सबसे छोटा कौन सा है, छिल छिला वन्य जीव अभ्यारण है। अगला क्वेश्चन बनेगा, पूछ लेगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, सबसे बड़ा पूछ ले, सबसे बड़ा अभ्यारण्य, मैं राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, ठीक है ना, ध्यान रखना, मैं राष्ट्रीय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल किसकी बात कर रहा हूँ, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूँ। तो कौन सा है, अबूब शहर, ठीक है ना, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पर, अबूब शहर, तो ये आपका सिरसा में है, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, अब्बू, अब्बू किसे कहते थे लोग, अब्बू कहते थे बाबा राम रहीम को, बाबा राम रहीम को कहते थे, जो कि आज कहाँ पर है, सलाखों के पीछे, कहाँ से संबंध रखते हैं, सिरसा से। तो ऐसे ही इसके नाम से आप याद रख सकते हैं, सबसे बड़ा मानता है HSSC। अगर नेशनल पूछ ले सबसे बड़ा कौन सा है, कालेश्वर है, या फिर आपका गुरुग्राम वाला है, तो कालेश्वर वाला लगाना, वो बड़ा मानता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ से बन सकता है। तो स्क्रीन शॉट ले, आगे बढ़ाते हैं। अब देखते हैं कुछ आपके खास प्रश्न है, कौन सा कहाँ पर है भाई, जो बनते हैं एग्जाम में बहुत ही ज्यादा, ठीक है। अगला है आपका खपरवास वन्य जीव अभयारण्य, बस सीधा नाम बताऊंगा कौन सा कहाँ पर है और इसे जल्दी कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है ना। अगला कौन सा है, खपरवास, खपरवास, ठीक है। ये कहाँ पर है आपका, भिंडावास में है। ये भी आपका कहाँ पर है, भिंडावास में है, यानी कि भिंडावास, या फिर मैं कैथल भी कह, सॉरी झज्जर, ये दोनों पास पास में, भिंडावास और खपरवास, बिल्कुल ये तो नहीं आएगा, ये आएगा, दोनों पास पास में, बस इतना ध्यान रखना, खपरवास झज्जर लगाना है, ठीक है। ये नहीं आए तो फिर भिंडावास भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों में एरिया 1 किलोमीटर का भी ज्यादा नहीं है, बस इतना ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका सरस्वती, मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसे यानी कि रिजर्व कर दिया गया था, कैथल में है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा मैं। अगला है नहाड़, कौन सा है, नहाड़ वन्य जीव अभयारण्य, नहाड़ वन्य जीव अभयारण्य नाम से, वैसे तो राजा नहर सिंह एक व्यक्ति थे, वो आपके यानी कि फरीदाबाद से संबंध रखते हैं, बल्लमगढ़ से, जबकि नहाड़ आपका रहेगा रेवाड़ी में, कहाँ पर है, रेवाड़ी में है, बस इतना आपको ध्यान रखना, कोई मेन फैक्ट नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा डीपली नहीं आता है भाई, ठीक है। अगला है चोटाला अभयारण्य, कौन सा है, चोटाला, चोटाला अभयारण्य नाम से ही पता लग रहा है, तो ये आपका कहाँ पर है, चोटाला कहाँ से बिलोंग करते थे आपके, सिरसा से, बस इतना ध्यान रखना। अगला है वीर शिकारगढ़, कौन सा है, वीर शिकारगढ़, वीर शिकारगढ़ आपका कहाँ पर है, पिंजौर पंचकुला, कहाँ पर है, पिंजौर, कहाँ पर है, पिंजौर पंचकुला। तो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना, और इसकी स्थापना पूछ ले वीर शिकारगढ़ की, तो 2001 में हुई है, ध्यान रखना, 2001, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसको याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, वीर क्या मारते हैं, पंच मारते हैं वीर, और उसी से आपको ध्यान रखना है, पंचकुला, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले भाई, स्क्रीन शॉट ले आराम से, एक चलो यहाँ पर एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, सबसे ज्यादा पूछ ले, सबसे ज्यादा गिद्ध, क्या पूछेगा, गिद्ध कहाँ है, तो ध्यान रखना ये पंचकुला में ही है, एशिया में सबसे ज्यादा गिद्ध यहीं पर मिलते हैं, पंचकुला में। एक अच्छा क्वेश्चन बनेगा, हरियाणा के किस स्थान पर सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं, गिद्ध की अगर मैं बात करूं तो जटाऊ बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, जटाऊ बोलते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना। ऐसी क्वेश्चन आया था, जटाऊ उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, ये आपका पंचकुला में, मनसा देवी मंदिर के पुजारी मनाते हैं इस उत्सव को, तो ध्यान रखना, गिद्ध आए या जटाऊ आए, दोनों का आंसर यही बन सकता है। तो स्क्रीन शॉट ले भाई इसका आराम से, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई, स्क्रीन शॉट लें। अब आपके कुछ ऐसे हैं जो नए क्वेश्चन भी हैं, करंट के भी कह सकता हूँ, कुछ पुराने भी हैं। अब है हरियाणा के वन्य जीव प्रजनन केंद्र, कौन से हैं, वन्य जीव प्रजनन, वन्य जीव प्रजनन केंद्र, थोड़ा सा ध्यान देना यहाँ पर, जो प्रजनन केंद्र कहाँ कहाँ पर कौन सा स्थापित किया गया है वो देखेंगे भाई सारे के सारे, ठीक है। पहला है मोर चिंकारा प्रजनन केंद्र, मोर चिंकारा, मोर एवं लिख देता हूं या फिर और लिख देता हूं मैं, मोर और चिंकारा प्रजनन केंद्र, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ये आपका कहां पर है, झाबुआ, कहां
कहां पर रहेगा? झाबुआ। और झाबुआ आपका कहां पर है? रेवाड़ी। झाबुआ कहां पर है? रेवाड़ी में। अच्छा क्वेश्चन बनेगा भाई, ठीक है। अगला है आपका रेड जंगल, कौन सा रहेगा? रेड जंगल फाउन, रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र, रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र आपका कहां पर है? ये आपका पिंजौर में है। कहां पर है? पिंजौर में है। अगर आपसे पूछ लेना सबसे ज्यादा प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है, तो ध्यान रखना पंचकुला में है। कहां पर है? पंचकुला में है सबसे ज्यादा। तो ये भी आपका कहां पर है? रेड जंगल फाउन प्रजनन केंद्र भी आपका पिंजौर पंचकुला रहेगा आंसर। अगला क्वेश्चन है गिद्ध संरक्षण, अभी इसके बारे में जानकारी दी थी भाई मैंने, गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र, इसके बारे में अभी जानकारी दी थी भाई। सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ मिलते हैं? पंचकुला में मिलते हैं, एशिया वगैरह में सबसे ज्यादा। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया था, तो इसका आंसर यही बन जाएगा। अगला है आपका, अगर स्थान पूछ ले तो वही पिंजौर रहेगा, बस ध्यान रखना। चिड़िया प्रजनन केंद्र कौन सा रहेगा? चिड़िया प्रजनन केंद्र, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मोरनी कहाँ पर है आपका? मोरनी। और मोरनी आपका कहाँ पर रहेगा? पंचकुला। तो ये आपका चिड़िया प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? मोरनी पंचकुला में है। मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर, यानी मोरनी की पहाड़ियाँ, मोरनी की पहाड़ियाँ, या फिर मैं सीधा कहूँ कि एक आपकी मोरनी की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? टांगरी, ठीक है ना, टांगरी नदी निकलती है। तो ये आपको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन आपका यहाँ से ये बन जाएगा। तो एक तो आपका ये बन जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका बनेगा मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, कौन सा है? मगरमच्छ, मगरमच्छ प्रजनन केंद्र, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये आपका रहेगा भौर सौदान, भौर सौदान। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? भौर सौदान। भौर सौदान आपका कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र। तो भौर सौदान आपका कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेन फैक्ट आपके यहाँ से बनेंगे, और मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई, फिर आगे बढ़ाते हैं इस सेशन को, ठीक है। तो रब कर रहा हूँ भाई साथ के साथ, और स्क्रीनशॉट जरूर लें भाई, ठीक है ना। बैक कर ले थोड़ा सा, स्क्रीनशॉट ले ले अगर किसी ने नहीं लिया तो। अगला क्वेश्चन है आपका हाथी पुनर्वास प्रजनन केंद्र, हाथी के नाम से आ जाएगा भाई, ठीक है ना। हाथी प्रजनन केंद्र, हाथी प्रजनन केंद्र, ठीक है ना। हाथी वैसे भी हथनीकुंड बैराज नाम से ही पता लग रहा है। तो ये आपका कहां पर है? यमुनानगर। कहां पर है? यमुनानगर। ध्यान रखना क्वेश्चन यहां से बनता है, हाथी कहां पर है आपका? यमुनानगर में। और स्थान पूछता है इसका, बसंतोर के नाम से आता है, ठीक है, बसंतोर के नाम से आता है। तो इस स्थान पर है, ये मिलेगा आपको एग्जाम में, यमुनानगर नहीं मिलेगा, बसंतोर मिलेगा, यही आता है नाम, ध्यान रखना भाई, ठीक है। आगे आपका ऊंट प्रजनन केंद्र कौन सा है? ऊंट प्रजनन केंद्र, ऊंट प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहां पर है? तो ये आपका सिरसा में है। कहां पर है? सिरसा रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। अगला आपका बकरी प्रजनन केंद्र, बकरी प्रजनन केंद्र, ये अभी हाल ही में स्थापित किया जा रहा है भाई। बकरी प्रजनन केंद्र की स्थापना कहां पर की जा रही है आपकी? लोहारू। क्या रहेगा? लोहारू। लोहारू आपका कहां पर है? भिवानी। ये वही लोहारू है जहां पर क्या होती है? कम वर्षा होती है। और जिला पूछ ले वर्षा में सबसे कम सिरसा रहेगा और महेंद्रगढ़ रहेगा, जबकि स्थान पूछ ले लोहारू, लोहारू भिवानी में है। लोहारू की स्थापना 1830 में हुई है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। और यहीं पर लोहारू का एक बरालू स्थान है, कौन सा स्थान है? बरालू स्थान है, जहां पर क्या लगता है आपका? ऊँटों का मेला लगता है। क्या लगता है? ऊँटों का मेला लगता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बन जाएंगे भाई, स्क्रीनशॉट ले, आगे बढ़ते हैं भाई। वैसे घोड़ों का मेला कहाँ लगता है? बेरी, झज्जर में लगता है। भैंसों का मेला कहाँ पर लगता है आपका? ये एक स्थान है, कहाँ पर? झज्जर में, झाजगढ़, ठीक है भाई, ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट लें। अगला क्वेश्चन है सारस प्रजनन केंद्र, सार्स प्रजनन केंद्र, सार्स प्रजनन केंद्र, ये क्वेश्चन आता है भाई, ध्यान रखना। सार्स प्रजनन केंद्र आपका कहां पर है, या संरक्षण केंद्र आपका कहां पर है? कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना। संरक्षण भी मैं लिख सकता हूं, संरक्षण केंद्र कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। कहां पर है? कुरुक्षेत्र में भाई, ठीक है, कहां पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में रहेगा। अगला है आपका गौरैया प्रजनन केंद्र, गौरैया प्रजनन केंद्र, गौरैया प्रजनन केंद्र आपका है पिंजौर। तो ये भी आपका कहां पर रहेगा?
पिंजौर में है गोरैया, और पिंजौर आपका कहां पर है, अभी मैंने आपको जानकारी दी थी भाई, ये आपका कहां पर है, पंचकुला में, बस इतना ध्यान रखना ठीक है। अगला है आपका हॉग डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हॉग डियर प्रजनन केंद्र, हॉग डियर प्रजनन केंद्र आपका कहां पर है, तो ये पलवल में स्थापित किया जा रहा है, कहां पर, पलवल में भाई ठीक है ना। पलवल कौन सा एरिया है, दक्षिण वाला एरिया है ठीक है ना, दक्षिण वाला एरिया है। पलवल को क्या कहते हैं, कॉटन सिटी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉटन सिटी कहते हैं। दूसरा बनेगा इसे स्कूल अस्पताल, स्कूल अस्पतालों का शहर भी कहते हैं ठीक है, ध्यान रखना, कॉटन सिटी भी कहते हैं इसे। दूसरा सुगर सिटी, क्या बोलते हैं, सुगर सिटी भी कहते हैं। कॉटन हब आपका कौन सा है, सिरसा है, तो ये आपका यहां से ये बन जाएगा। अगला है काला तीतर प्रजनन केंद्र, कौन सा रहेगा, काला तीतर प्रजनन केंद्र, काला तीतर प्रजनन केंद्र आपका कहां पर है, तो झाबुआ, कहां पर रहेगा, झाबुआ, और झाबुआ आपका कहां पर है, रेवाड़ी, झाबुआ आपका कहां पर है, रेवाड़ी ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है भाई, स्क्रीनशॉट लें। अब ये आपके जो मेन फैक्ट थे मैंने कंप्लीट कर दिए, बाकी आपके चिड़ियाघर है उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी और देता हूं, फिर आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा भाई ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लें, पूछ लेगा हरियाणा में हिरन पार्क कहां पर है, तो आंसर लगा देना हिसार में, दो हिरन पार्क है भाई वैसे ठीक है। पहले मैं आपको बता रहा हूं हिरन पार्क, हिरन पार्क ये हिसार इसका आंसर मानता है भाई ठीक है, लगभग 1970 के करीब इसकी स्थापना हुई है। एक हिरन पार्क वैसे आपका रोहतक में भी है, वैसे HSSC यही मानता है, ध्यान रखना, अगर ये नहीं है ऑप्शन में तो फिर आप ये लगाएंगे भाई ठीक है। तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आपका यहां से बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है हरियाणा में पशु पक्षी गोद लेने की योजना कब शुरू हुई, तो ये बता रहा हूं भाई मैं आपको साथ के साथ, पशु पक्षी गोद योजना ठीक है ना, गोद योजना आपकी कब शुरू हुई, तो ये आपकी 2011 में हुई है, ध्यान रखना 2011, बस ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपका आएगा चिड़िया, चिड़िया यानी पूछ लेगा चिड़ियाघर हरियाणा में कहां पर है, चिड़ियाघर, दो तीन चिड़ियाघर है भाई बता रहा हूं, चिड़ियाघर ठीक है ना, एक तो चिड़ियाघर आपका कहां पर है, रोहतक में है, कहां पर है, रोहतक में है, तिलियार लेक, ये मैंने आपको करवाया था, कौन सा, तिलियार झील वहीं पर है ठीक है ना, रोहतक में यहां पर आपका चिड़ियाघर है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1986 में हुई थी, कब इसकी स्थापना हुई, 1986 में हुई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है आपका रोहतक का चिड़ियाघर कितने एकड़ में फैला हुआ है, रोहतक का चिड़ियाघर, रोहतक का चिड़ियाघर कितने एकड़ में फैला हुआ है, 44 एकड़, कितने एकड़ में फैला हुआ है, 44 एकड़ में, तो ध्यान रखना भाई ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, मैं रब कर रहा हूं भाई एक बार ठीक है भाई, मैं रब कर रहा हूं इसको, तो बस एक दो क्वेश्चन और है फिर आपका कंप्लीट है भाई ठीक है ना, तो एक दो क्वेश्चन और है। अगला है आपका भिवानी चिड़ियाघर, कौन सा रहेगा, भिवानी चिड़ियाघर, भिवानी चिड़ियाघर तो नाम से ही पता लग रहा है आपका कहाँ पर है, तो ये आपका भिवानी में है, कहाँ पर है, भिवानी में, 1982 ठीक है ना, 1982 में इसकी स्थापना हुई है, और ये सबसे कम क्षेत्रफल में है, कितने में है, 7 एकड़ में है, कितने में है, 7 एकड़ में ये फैला हुआ है, बस आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाएगा भाई ठीक है ना। तो ये आपके जो मेन क्वेश्चन थे, एक वैसे पीपली वगैरह में भी है ठीक है, वो मेन नहीं है, आपको मैंने बता ही दिया है, बाकी बेस से आखिरी तक एक एक क्वेश्चन आपको समझाने की कोशिश की है, जो मेन फैक्ट है वो कंप्लीट कर दिए हैं, बाकी और भी बनते हैं क्वेश्चन, अगर आपको डीपली जाना है वो अलग बात है, लेकिन वहां से क्वेश्चन आते नहीं है, जितने भी बन सकते हैं वो सारे मैंने कोशिश की आपको समझाने की। दो पार्ट में आपकी ये क्लास हुई है कंप्लीट, पार्ट वन पार्ट टू में, अगर आपने वन वाला नहीं देखा तो एक बार जरूर देख लें, ये आपका सेकंड पार्ट है, इसमें भी मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, इसमें आज हमने प्रजनन केंद्र वाले, संरक्षण केंद्र वाले, हरियाणा वाले, जो सबसे छोटा सबसे बड़ा, कौन सा आर्द्रता के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा कहाँ पर है, जितने भी मेन फैक्ट है, जैसे हॉग डियर है, सारस वाला है, चिड़िया वाला है, गिद्ध वाला है, ये सारे कंप्लीट करवा दिए हमने ठीक है ना। तो बस मैं इतना ही कह सकता हूँ, इसको एक दो बार देखें, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन पर डाउट है तो मैसेज छोड़ सकते हैं, आपका उस डाउट का क्लियर जवाब देंगे। और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ, उम्मीद करता हूँ क्लास जरूर अच्छी लगी होगी, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।